हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास का मित्रों नया टॉपिक राठौड़ वंश। मित्रों, राठौड़ वंश जो है हमारे राजस्थान के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारे लिए भी काफ़ी महत्व रखता है ये टॉपिक। मित्रों, हर परीक्षा चाहे वो राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो उसमें राठौड़ वंश से जो सवाल है वो भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें राठौड़ वंश की विस्तार से इसके एक एक पहलू की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आइए जानते हैं राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, राठौड़ वंश राजस्थान के कौन से हिस्से में राज्य करता था और राठौड़ वंश में कौन कौन से शासक हुए, मित्रों जानते हैं राठौड़ वंश के बारे में। मित्रों, राजस्थान का एक प्रदेश जिसको मारवाड़ कहा जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे मित्रों ये मारवाड़ शब्द कहाँ से आया और ये मारवाड़ जो है राजस्थान के कौन से प्रदेश को कहा जाता है। मित्रों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली का क्षेत्र जो मित्रों मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगर राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो राजस्थान की जो 12 ज़िले हैं जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में आते हैं वो मारवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, मारवाड़ जो है वो मरुवार शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है या विकृत रूप है। कैसे मित्रों, मारवाड़ का वास्तविक नाम जो था मित्रों वो मरुस्थल या मरुत्थान था। मरुस्थल यानी कि मरुभूमि, आप जानते हैं जहाँ रेत का अंबार हो, जगह जगह मिट्टी के दौरे हो, उसे मरुस्थल कहा गया। और मरुत्थान का मतलब मृत्यु का प्रदेश, मरुत्थान यानी कि मृत्यु का प्रदेश है। प्राचीन समय में मित्रों सतलज नदी से लेकर समुद्र तक फैली समस्त भूमि को मारवाड़ या मरु प्रदेश कहा जाता था। मारवाड़िया किसको मित्रों, सतलज नदी से समुद्र तक फैली जो भूमि है मित्रों इसको मारवाड़िया मरु प्रदेश कहा जाता था। मित्रों, इसी क्षेत्र में शासन था राठौड़ों का। तो जानते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। मित्रों, राठौड़ों की जो उत्पत्ति है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये राठौड़ शब्द जो है वो कहाँ से आया है। मित्रों, राठौड़ शब्द जो है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है, संस्कृत का राष्ट्रकूट। मित्रों, इस राष्ट्रकूट शब्द से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई। राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप जो था, प्राकृतिक भाषा, आप जानते हैं प्राकृतिक भाषा भारत की बहुत पुरानी आम जन की भाषा रही है और संस्कृत जो है वो विद्वानों की भाषा रही है। मित्रों, तो रट उड़ जो था मित्रों ये राठौड़ का प्राकृतिक रूप था और धीरे धीरे इसी से ही राठौड़ बना। राष्ट्रकूट का प्राकृतिक रूप मित्रों रट उड़ था और रट उड़ से धीरे धीरे राठौड़ शब्द बना। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मित्रों गुहिलों का शासन था। जब हम मेवाड़ पढ़े थे तो मित्रों उसमें मैंने आपको बताया था कि गुहिली कौन थे। और पूर्वी राजस्थान में मित्रों कछवाहों का शासन था। इसी तरह जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग था वहाँ पर राठौड़ों का शासन था। तो इसे हमें मित्रों राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मित्रों, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी मतभेद है, काफ़ी लोग ये जो विषय है वो काफ़ी विवादास्पद लगता है। मित्रों, राज रत्नाकर और कुछ भाटों के अनुसार राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है किसके द्वारा, राज रत्नाकर और कुछ भाट लोग जो राजवंशों की वंशावलियों के बारे में जानते हैं मित्रों, इन लोगों ने राष्ट्रकूटों को या राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। मित्रों, जोधपुर राज्य की ख्याति, ये एक बहुत ही विख्यात जो है साहित्य है, जोधपुर राज्य की ख्यात
इस ख्यात में राजा इन्हें राजा विश्वतुमान के पुत्र राजा बृहदवल से पैदा होना बताया गया है। मित्रों दयालदास खींची, दयालदास खींची जो है इन्होंने भी मित्रों राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया। क्या बताया? दयालदास ने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया और इन्हें ब्राह्मण वंश में पैदा होने वाले बल भल राव की संतान बताया। ब्राह्मण वंश में कौन पैदा हुआ? भल राव नामक एक व्यक्ति पैदा हुआ और इन्हें भल राव की संतान बताया। किसने? दयालदास ने। ब्राह्मण वंशीय भी इनको बताया दयालदास ने और सूर्यवंशी भी बताया। मित्रों भल राव ने क्या किया? इनको राठौड़ अब कैसे कहा गया जबकि ये भल राव की संतान थे? तो भल राव ने राटेश्वरी देवी के नाम पर अपने पुत्र का नाम रठवर रखा और इसी रठवर के वंशधर जो थे मित्रों वो रठवर या राठौड़ कहलाए। मित्रों 1596 में एक राजस्थानी साहित्य लिखा गया राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य। कौन सा था? राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य, राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य। इस राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से बताई जाती है, यानी कि इनको चंद्रवंशीय भी बताया गया है। चंद्रवंशीय किसमें बताया गया? राष्ट्रोड़ वंश महाकाव्य में। मित्रों मोहनोत नैन्सी के अनुसार 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया था युद्ध में, उत्तराइन के द्वितीय युद्ध में, और 1194 में जयचंद गहड़वाल को चंदावर के युद्ध में हरा दिया जो कन्नौज का शासक था, तो उसके साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया था मोहम्मद गोरी ने। मित्रों कुछ वर्ष बाद जयचंद का पुत्र जिसका नाम था राव सिंहा जी, क्या नाम था? राव सिंहा जी। और राव सिंहा जी ने मित्रों 13वीं शताब्दी में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। ये किसके द्वारा कही गई ये बात? ये मोहनोत नैन्सी के द्वारा की गई कि ये जो राठौड़ है वो जयचंद गेहड़वाल की संतान है। मित्रों कर्नल जेम्स टाट ने भी इनको राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया। राठौड़ों की वंशवलियों के हिसाब से या इनके आधार पर इन्होंने राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया। इसके साथ साथ ही जैन ग्रंथ हैं मित्रों कई, जैसे शांतिनाथ ज्ञान भंडार, खम्बात के कल्प सूत्र ज्ञान भंडार, सूर्यपुत्र की सूर्यपुर की 1546 विक्रम संवती या एक प्रति मित्रों, और जगह जगह जैसे कई अभिलेख शिलालेख मिले हैं मित्रों। फलोदी का 1555 का जो एक शिलालेख है उसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जयचंद गहड़वाल जो है वो राठौड़ों का आदि पुरुष है। मित्रों इन सभी मतों में जब राठौड़ों की उत्पत्ति के जो मत दिए गए हैं, जैसे किसी ने इन्हें सूर्यवंशी बताया है, किसी ने इन्हें चंद्रवंशीय बताया, कोई इन्हें ब्राह्मण वंशीय बताता है, तो इन सब में जो प्रमाणित मत है वो है मोहनोत नैन्सी का कि ये जो जयचंद गहड़वाल है वो राठौड़ों का आदि पुरुष है। मित्रों एक विदेशी जो हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर हानली, तो डॉक्टर हानली ने राठौड़ों को गहड़वालों से पृथक माना है। ये कहते हैं कि ये गहड़वालों से इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। डॉक्टर हानली व ओझा गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, ये ओझा जी और डॉक्टर हानली इनके अनुसार मारवाड़ के राठौड़ बदायूं यानी कि कन्नौज उत्तर प्रदेश के राठौड़ों के वंशज हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी में राजस्थान में राठौड़ वंश की स्थापना की। मित्रों आगे हम जानेंगे मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।